यहाँ पे इन लोग का हो रहा है फ़ोटोशूट, और फ़ोटोशूट कर रहे हैं ये हमारे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और मैं सुबह सुबह उठ गई थी 5 बजे। बाकी 5 बजे उठने के बाद मैं नहा लिया है और सबको चाय वगैरह भी दे दी थी। अभी मैं आ गई हूँ नल पानी भरने के लिए। तो बाकी आगे का ब्लॉग दिखाएंगे आज आपको। तो गाइस, यहाँ पे मैंने पूरी के लिए थोड़ा सा आटा गूंद लिया है, और ये है मांस का बड़ा, और ये है पुए बनाने के लिए, रोडवेज बनाने के लिए, ये जो मैं मंदिर के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल रख लिया है गर्म करने के लिए। तो मैंने पूरी भी बना ली है और मांस के बड़े भी बना लिए हैं। बाकी ये है मेरे पुए। तो लाई के पत्ते में मैंने एक पूरी और एक मांस का बड़ा और एक पुआ और हल्का सा इसमें पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी अपने पितरों के लिए छत में। तो एक पुआ और एक बड़ी और एक पूरी मैंने अपने गाय के लिए बनाई है, ये गाय को दूंगी मैं। तो गाइस, और पूरी और पुए वगैरह मैं लेके आ गई अपने मंदिर के लिए। बाकी मैं करती हूँ पूजा। तो गोलू और रुद्र लगे हुए हैं यहाँ बैलून फुलाने में। एक बैलून तो फुलाया था, वो वेदांश ले गया। ओहो, एक वेदांश ले गया। तो चटाई वगैरह भी हमने यहाँ बिछा दिया, और बाकी सारे बर्तन धो दिए हैं पापा ने, वेदांश के दादू ने। बाकी यहाँ भी थोड़ा बहुत सेटअप कर दिया हमने। गाइस, सुबह से काम करते करते ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। सो मामी मतलब मौसी अभी नानी के बाल बना रही हैं, और ये नानी बैठी हुई है। सो गाइस, मौसी के बाल वो स्ट्रेट कर रही हैं। तो गाइस देख सकते हैं मेरी पार्लर वाली भी आ चुकी है दीदी। बाकी से थोड़ा बहुत बाल क्रम किए हुए मेरे पास। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। बाकी थोड़ी देर में आने वाले हैं मेरे सब लोग। तो बाकी मैं अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो भाई भी तैयार हो चुका है मेरा, थोड़ा बहुत। कितना और बचा है? कहाँ पर तैयार हो गया? अभी पूरा तैयार हो गया, थोड़ा और बचा है इसका। जो मम्मी हो गई यहाँ पे रेडी, और मैंने इसको रेडी कर दिया है। बस इसने हर चीज में अपने को खुद इन्वॉल्व करना ही करना है। और तो कैसी लग रही है बताना? नहीं यार, तुमने अच्छा ध्यान किया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सभी भाई लोग मिलके यहाँ पे डेकोरेट कर रहे हैं, रिंग सेरेमनी वगैरह और बलून वगैरह लगाना यहाँ पे। तो गाइज, मेरा बेद भी हो गया रेडी। बेद इधर देखो, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। गुस्सा है इसको। बाकी यहाँ पे डेकोरेट हो रहा अभी भी, और यहाँ पे कारीगर लोग बना रहे खाना। बाकी मेहमान भी आ चुके हमारे, ये है भैया, भाभी, मम्मी, और ये बैठी है बुआ। और कोई बात ना, ये काम तो जरूरी छू। यहाँ पे चल रहा था मेरा फोटोशूट जो कर रहे थे अनिल भैया। तो गाइस, आज मेरे दोस्त लोग भी आए हैं मेरे एंगेजमेंट पे। बाकी मिला हूँ दीपा, आरती और सुनीता। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग आए हैं। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी एंगेजमेंट है। बहुत जल्दी शादी होगी। थैंक यू। अनिल भैया ने कर ली है मेरी फोटो शूट बहुत ज़्यादा। कपल शूट होगा, मैं थक गई उतने में ही।
हैप्पी बर्थडे टू यू सब लोग कैमरे में देखेंगे सर, सामने देखिए तो सबको लेना ऐसे करके, तू बस ऐसे घुमाते हो तो ब्लॉग बना रही है। हाँ तो ब्लॉग बना रही थी, यहाँ इसे भी ले वेदांश चलो सब लोग सामने देखेंगे, सामने देखो ठीक है। यहाँ पे इन लोग का हो रहा है फोटोशूट, और फोटोशूट कर रहे हैं ये हमारे फेमस फोटोग्राफर जी। फाइनली ये दोनों क्या एक बंधन में जुड़ चुके हैं आपसे। मम्मी तभी छाड़ बैठो, हमें मिति भी छाड़ रही छो राहुल जी, अंदर आओ ना, तुम्हारी जरूरत है अभी। ठीक है देवी, हाँ आप बैठिए एक बार, आप दोनों किधर रखेंगे सामने। बधाई हो। मिठाई चलो ओके हो गया। सब खा चुके, ए खाना खाओ। ठहरी और मम्मी हमारा बोल रही है यहाँ पर दिल्ली राजा को, दिल्ली राजा को ये दिल्ली राजा की मौसी है।